In a shocking incident, an assistant sub-inspector of Delhi police has been arrested for allegedly raping a 23-year-old woman. The accused policeman allegedly raped the woman at gunpoint and was also reportedly under the influence of alcohol. The policeman has been arrested and booked for rape. The accused was produced in court and has been sent to 14 days judicial custody. The cop was arrested after the alleged rape was caught on CCTV camera. The police is also trying to verify this footage. मैं जहाँ पर काम करती हूँ ना, वहाँ पर पुलिस वाले अंकल आए थे, तो वो दो तीन बार ही आ चुके हैं. तो जिस दिन वो 5 तारीख को आए थे ना, उन्होंने ना मतलब मेरे ऊपर गंदी नजर डाली, बंदूक दिखाई जेब में से निकाल कर. फिर उसके बाद पता नहीं धमकियाँ सी थी, पता नहीं क्या करा, अंकल को और आंटी को बाहर भगा दिया अंदर से लॉक करके. जबरदस्ती मुझे शराब पिलाने लगे तो मैंने मना कर दिया. फिर उसके बाद मेरे कपड़े सारे उतार दिए, उतरवा दिए उन्होंने. फिर वहाँ पर भी मेरा रेप करा उन्होंने. फिर मैं छूट छुटा के वहाँ से भी भागी मैं. देखिए, जिस तरह की ये बात सुनने में आई है कि एक एसआई ने किसी बच्ची का, लड़की का बलात्कार किया है, तो मैं समझती हूँ कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस हो या आम नागरिक हो या कि सरकार में बैठा हुआ कोई इंसान हो, कि इसमें सही इंसाफ होना चाहिए और पूरी जानकारी के बाद में जो भी सज़ा हो उसको मिलनी चाहिए.